हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं भी ठीक हूँ, फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो अभी बज रहे हैं घड़ी पे 11:45। अभी मैं इस घर पे आई हूँ और आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है। एक्चुअली आज सुबह नींद से उठने में इतना लेट हो गया, 9 बजे नींद से उठे हैं, 10 बजे घर से निकलना है, उस बीच में बेटे को स्कूल छोड़ना है, उसका ब्रेकफास्ट, उसका खाना, घर का काम सब कुछ करना था। मतलब मत बोलिए, इतना लेट हो गया कि मैंने खुद ना चाय पिया ना एक बिस्किट, कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिए थे। बहुत लेट हो गया। सो आज सुबह मेरा ऑफ है, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। सुबह कोई काम नहीं है, मेरा काम जो है वो इवनिंग में है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं और उस घर पे जाके बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारा काम तो पहले कर लिया। क्या क्या किया मैंने वो बताती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे आया, मैं आके यहाँ पे पहले दही खत्म हो गया था मेरे घर पे, तो मैंने दूध लेके आया। मैं दूध लेके आज मेरा सब उल्टा पुल्टा हो रहा है बात, सॉरी। मैं भी भूख के चलते हिंदी बोलना भूल गई हूँ। तो मैं दूध लेके आई थी, दूध को मैंने उबाल लिया, अब उसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। ये ठंडा होगा, उसके बाद मैं उसमें दही डाल दूंगी, तो कल तक दही जम जाएगा। चाय तो मैंने बना लिया और उसके साथ मुझे तो नाश्ता करना है आज। मैंने सुबह से तो कुछ नाश्ता किया नहीं, सो मैं ब्रेड लेके आई हूँ। अंडा तो है यहाँ पे रखा हुआ, ब्रेड लेके आई हूँ और सब कुछ रेडी करके रख के मैंने वीडियो को स्टार्ट किया। ये देखिए प्याज और मिर्चा जो मैंने काट लिया है, बहुत जोर से भूख लगा है। दो पीस ब्रेड, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, 2 पीस ब्रेड का टोस्ट बनाऊंगी, ये वाला ब्रेड। तो जब तक मेरा ये कढ़ाई गर्म हो, फ्राइंग पैन जब तक गर्म होगा तब तक मैं ये सब काम निपटा लूं अपना। भूख इतना जोर से लगा है कि मत बोलिए, कि मुंह से जो बात निकल रहा है ना वो भी सारा उल्टा पुल्टा निकल रहा है। लंच का टाइम हो गया, बोलिए। अच्छा, और एक बात बोल दूं, आज भी मैं देखिए एक शर्ट एंड पैंट पहनी हूँ। आप लोग शर्ट एंड पैंट वाला ब्लॉग बहुत बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो उस दिन मैंने ब्लैक कलर का पैंट एंड मरून कलर का, मतलब थोड़ा सा वो डीप मेरून है, शायद रेड भी बोल सकती हूँ उसको, तो वो शर्ट पहन के मैंने ब्लॉग बनाया था। और मैंने आप लोग को बोला था कि ऐसा एक दूसरे कलर का भी है मेरे पास, तभी उसको भी ब्लॉग में लाऊंगी। सो देखिए वही वाला शर्ट है, बट कलर जो है इसका दूसरा है, जो मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने वही शर्ट पहन के सोचा कि मैं यहाँ पे यही पहन के आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बना ही लेते हैं, आप लोग भी देख लोगे। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ अपना अंडा टोस्ट। अभी मैं बंगाली बोलने जा रही थी, क्या बोल रही थी पता है? टीम टोस्ट। मेरे कुछ कुछ ब्लॉग्स में गलती हो रहा है, पता है क्या गलती हो रहा है? ब्लॉग्स को मैं स्टार्ट तो हिंदी में कर रही हूँ, बट आखिर में जाके वो बंगाली हो जा रहा है, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रह रहा है कि मैंने वो ब्लॉग कौन से लैंग्वेज में स्टार्ट किया था। एक्चुअली बंगाली बोलने की आदत ज्यादा है ना, तो इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं प्याज मिर्चा और नमक अंडे के साथ फेंट रही हूँ। आप सबको पता है अंडा टोस्ट कैसे बनता है भाई, तो कमेंट बॉक्स में मत लिखना आके। ये तो मैं बना रही हूँ, जस्ट शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं सिखा रही हूँ आप लोग को। चलो चलो
इतना अच्छा है ना, क्या बोलूं। बस दोनों कानों में हेडफोन लगाओ, अकेले कहीं पे बैठे हुए हो, सुनते रहो। और साथ में अगर आप दुखी हो, अगर सैड हो, तो क्या बात है। ये वाला गाना एकदम सोने पे सुहागा। मेरी पसंदीदा सॉन्ग में से एक है, जो मैं अभी सुनती भी आ रही थी तो मुझे याद भी था। चलो गाना सुनाते सुनाते मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। सच में बहुत जोर से मुझे भूख लगा है, मैंने चेंज भी नहीं किया। एक तो बहाना था कि मैं शर्ट एंड पैंट में ब्लॉग बनाऊंगी, और दूसरा बहाना ये कि चेंज बाद में करेंगे, पहले बना लेते हैं खाना। दोपहर में देखते हैं आज क्या खाएंगे। मे बी आज दोपहर में चिकन खाएंगे, डोंट नो। ये एक ब्रेड पतला वाला, इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं बस। ये वाला ब्रेड जो है इसको सिर्फ गरम पैन में सेक रही हूँ बस, और कुछ नहीं करना है। इसको चाय में ऐसे ही डुबो के खा लेंगे। चलो बंद कर दिए, आधा काम तो मेरा हो गया। किचन को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ बर्तन निकले हैं, मैं उसमें पानी भर दूँ, नहीं तो फिर चाय का बर्तन जो है ना, उसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अंडा का छिलका वगैरह, प्याज का छिलका वगैरह सब है, सबको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ बस। बर्तन मांजना मुझे नहीं पसंद है, हाथ खराब हो जाते हैं। अब बोलोगे कि ग्लव्स, तो अभी ग्लव्स निकले हैं, ग्लव्स पहन के करो, तो भाई ग्लव्स पहन के काम नहीं होता है। होते होंगे, कितने जन होते हैं ग्लव्स पहन के कपड़े धोते हैं, ग्लव्स पहन के बर्तन भी साफ करते हैं, बट मेरे से नहीं होता है। हाथ में ग्लव्स पहन के, मेरे ग्लव्स जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। तो यही बर्तन मांजने के चक्कर में नाखून कभी नहीं बढ़ा पाई हूँ, मेरे नाखून टूट जाते हैं बहुत मुश्किल से। देखो देखो ये वाला, ये जो बड़ा है ना, बहुत खुश हुआ है मन कि नाखून मेरा बड़ा है, बट कपड़े धोने बैठूंगी ना, अपने आप ये टूट के निकल जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे नाखून जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, खुद ब खुद टूट जाते हैं, थोड़ा सा गीला होता है टूट जाता है। तो चलिए मेरे साथ नाश्ता करने, किस किस को नाश्ता करना है चलिए। अब घर पे बैठ के, घर पे ही हूँ सॉरी, रूम पे बैठ के इत्मीनान से नाश्ता करेंगे। ये भगवान, आज रूम पे मैंने लाइट नहीं जलाया, ऐसे रहने देती। हर समय मैं क्या करती हूँ ना, वीडियो बनाती हूँ तो फिर लाइट जला के पर्दा वगैरह सब बंद कर देती हूँ, मुझे नेचुरल वाला लाइट मिलता नहीं है। और आज तो एकदम, आप लोग खुले बाल पसंद करते हो, और आज तो मैंने बाल खोला ही नहीं, ऐसे ही मैं घर से निकली हूँ, ठीक है। यही मेरा गेटअप रहता है जब मैं घर से निकलती हूँ, ज्यादा सजती दस्ती कुछ नहीं हूँ। हाँ, बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर पहनूंगी, और लिपस्टिक तो रहेगा, बस ये तीन चीज। ना आंखों में लाइनर लगाती हूँ, ना आंखों में काजल लगाती हूँ। हाँ, ये ऐसा एक छोटा सा टॉप्स मैं पहनती हूँ, अलग अलग कलर का है। और ये अभी मैंने नया स्टाइल निकाला, बिंदी के नीचे थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ बस। सो चलो अब मैं खाऊं। आज तो हद हो गई, 12 बज गए, नाश्ता कर रही हूं, बहुत गर्मी लग रहा है। घर का रूम का जो पंखा है वो बंद है। तो चलिए, शर्ट पैंट पे मैं कैसी लग रही थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सेम चीज था, कलर अलग था, तो मैंने बोला था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो इसी वजह से मैंने ये ड्रेस पहन के आज वीडियो बनाया। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।